खर्च न खूटे, खर्च न खूटे चोर न लूटे, खर्च न खूटे चोर न लूटे, पल पल बढ़त सवायो। खर्च न खूटे चोर न लूटे, पल पल बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। नमस्कार, वंदन, प्रणाम, कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। अवतरित होने को जा रही है स्वर्णिम संध्या। मैं आप सबको ले चलता हूँ संध्या समय की पवित्र प्रक्रिया, नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर। आज की नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया मैं प्रकट करने को जा रहा हूँ आंजनेय नृत्य मंदिर में। आंजनेय हनुमान जी का पर्याय है। आप जो देख रहे हो मेरे पीछे जो मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति, ये तैयार की मेरे शिष्य श्री धर्मानंद स्वामी ने। बुजुर्ग व्यक्ति है, अभी तो वो बेड रिडन है, फिर भी जब वो मेरे पास थे वो कोई शिल्प कला जानते नहीं है, लेकिन ध्यानस्थ होते थे और उसके बाद मूर्ति, पूरा दिन मूर्ति में ही लगे रहते थे। इसने ये अद्भुत मूर्ति का सर्जन किया, ऐसे बहुत सी मूर्तियां बनाई, गणेश की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, डांसिंग हनुमान जी भी बनाए, बहुत सी सुंदर कृति प्रकट की। और मैं आपको कहूँ, जब भी इस मूर्ति को मैं प्रणाम करता हूँ, पहले मैं धर्मानंद जी को प्रणाम करता हूँ कि जिससे जिसके हृदय में हनुमान जी की ऐसी मूर्ति आई और उसके हाथों से ये प्रकट हुई मूर्ति। ये जो स्थान है, यहाँ पर मैंने बहुत से युवाओं को और शिष्यों को कुश्ती भी सिखाई है और द्वंद्व युद्ध भी सिखाया है। ये जो स्थान है, ये द्वंद्व युद्ध प्रागट्य स्थान भी कहा जाता है इसे। आज की जो नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया है, ये इसका विषय है राम। और राम ऐसा शब्द है, जीव का पर्याय हो गया, जो हमारे भीतर बसता है जीव, उसे राम कहा जाता है। तीनों रचना राम भगवान को मैं नृत्यात्मक अभिव्यक्ति के द्वारा अर्पण कर रहा हूँ। तीन रचना इस तरह से है। पहली रचना है पुष्पांजलि। पुष्पांजलि का मैं आपको अर्थ भी कहूँ कि इसमें पुष्प को अर्पण किया जाता है। इसका विज्ञान ऐसा है, पुष्प का जो संबंध है वो चंद्र शक्ति से है, और चंद्र शक्ति को धरती पर उतारने की ये एक छोटी सी धार्मिक प्रक्रिया है। नृत्य में जो पुष्प अर्पण किए जाते हैं, इससे चंद्र शक्ति स्थापित होती है। इसका क्या अर्थ, क्यों, इससे क्या होगा? चंद्र शक्ति का संबंध मैं आपको कहूँ, प्रेम, श्रृंगार, लावण्य इसके साथ रहता है, करुणा, ये सारे जो भाव है ये प्रकट होते हैं चंद्र शक्ति के द्वारा। रचनात्मक शक्ति जो हमारे भीतर है उसका भी संबंध रहता है चंद्र शक्ति के साथ। और स्थान की पवित्रता, तो पुष्पांजलि जो है नृत्य में, इसका संबंध इस सात्विक प्रक्रिया के साथ है। दूसरी जो प्रक्रिया है वो है सीता स्वयंवर। और दूसरी अभिव्यक्ति सीता स्वयंवर है, और तीसरी जो नृत्यात्मक अभिव्यक्ति है उसका नाम है पट्टाभिषेक तिल्लाना। तिल्लाना का जो मैं अर्थ करता हूँ, मैं आपके समक्ष प्रकट करने को जा रहा हूँ भारत के शास्त्रीय नृत्य का अंतर्गत रूप, आध्यात्मिक स्वरूप। तो तिल्लाना का अर्थ मेरी दृष्टि से मैं कहूँ तो मुक्त गति भी है, परम गति भी है, मोक्ष गति भी है, परमानंद गति भी है। और ये तिल्लाना पवित्र राग हिंडोलम में निबद्ध है। इसमें ऐसा दिखाया गया है कि जब राम अपनी राजगादी धारण करते हैं, उस समय का उत्सव इस तिल्लाना में दर्शाया गया है। तीनों अद्भुत रचना, राम की सर्वश्रेष्ठ रचना जो है नृत्य की अभिव्यक्ति में, वो सर्वश्रेष्ठ रचना मैं आपके संपर्क में ला रहा हूँ। तीनों रचना भारत के प्राचीन एवं आध्यात्मिक नृत्य शास्त्र भरतनाट्यम पर आधारित है। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे सबके भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में हार्दिक वंदन अर्पण करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ सांध्य समय की पवित्र प्रक्रिया, नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर।